गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन। और आज है थर्ड डे इन भुवनेश्वर और आप देख ही रहे हो राजमहल स्क्वायर। आई टोल्ड यू ना, अभी हम लोग यहीं हैं क्योंकि अभी तक अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस ही नहीं हुआ है, तो क्वार्टर कहाँ से मिलेगा। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी आप सबसे। CGL मेंस 2022 का जब हम रिव्यू दे रहे थे एग्ज़ाम का, तो हम ये बोले थे कि मैथ्स बहुत ही आसान था और ये चीज़ अच्छा नहीं हुआ। और यही चीज़ हम जब बता रहे थे वीडियो में, या फिर आप कहो कि जब रिव्यू ले रहे थे, और जब सभी बाकी स्टूडेंट्स भी यही बात बोल रहे थे कि मैथ्स बहुत ही ज़्यादा ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था, तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए, बहुत सारे नेगेटिव। मतलब मेरे को तो समझ नहीं आता यार, इतने सारे लोगों का इतना हेट, इतना क्यों है यार। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना, बाकी लोगों का अगर आपको इतना प्रॉब्लम ही है तो आप देखते ही क्यों हो वीडियोस। और अगर जो सच है वो सुन नहीं सकते तो भाई मतलब फिर क्या बोले आप। जो सच है वो तो है ना, आप इतना जज क्यों करने लग जाते हो लोगों के। ऐसे ऐसे कमेंट आए, तेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो देख, तेरा एग्ज़ाम निकलेगा तब बात करना, तो जॉब पहले खुद ले ले फिर बोलना। भाई पहले आप जान तो लो कि बंदे के बारे में, फिर तो आप बोलो। मेरा तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है और मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। आप फालतू में चीज़ें जानते नहीं हो, बोलते हो यार बेमतलब का। तो मेरा इस टॉपिक में ये बात करना है, मेरे को आप सबसे ये बताना था आपको कि मैथ्स इजी होने से, CGL मेंस में मैथ्स का आसान होना, मैथ्स का इजी होने से आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको क्यों प्रॉब्लम है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैथ्स का लेवल वाकई आसान था, इसमें कोई डाउट नहीं है। CGL 2020 मेंस, CGL 2021 मेंस दोनों हम दिए थे। 2020 में आई स्कोर्ड 187.5 और 2021 में 197.5। और इसीलिए हम आपको ये बात बता पा रहे क्योंकि वो दोनों का पेपर का लेवल बहुत ही मतलब ठीक ठाक था। लेकिन जो ये जो पेपर था ना 22 वाला, बहुत ही बेकार था। मतलब MTS लेवल के क्वेश्चंस थे, और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, ये सारे बाकी सारे एस्पायरेंट्स बोले हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या है और क्यों हम इतना नाराज़ हुए उस दिन, या क्यों हम इतना ऐसे फालतू ये बोल रहे थे, उसका सिंपल रीज़न है। आप देखो यार, जब मैथ्स में इतना ईजी पेपर ही देना है तो फिर मैथ्स को क्वालिफाइंग ही कर दीजिए ना, ख़त्म ही कर दीजिए मैथ्स का वैल्यू। मैथ्स को कुछ सभी स्टूडेंट्स GK में अच्छे नहीं हो सकते, या सभी स्टूडेंट्स, देखिए मैथ्स एक ऐसा चीज़ है, इट्स अ स्किल, ये टाइम के साथ डेवलप हो जाता है। आई विल गिव यू माय एग्जांपल, जब हम पहला CGL का मॉक दिए थे ना, तो आपको पता है हम 9 मैथ्स बनाए थे और पूरा 1 घंटा पार हो गया था। ये कोई जोक नहीं है, ये फैक्ट है। 9 मैथ्स बनाए थे और आई थिंक इंग्लिश अटेम्प्ट किए थे और पूरा मॉक ख़त्म हो गया था, और 9 में से बस 7 सही या 8 सही वाला। तो वहाँ से एक पूरा इतना मेहनत करके कोई भी एस्पायरेंट स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में वैसा ही रहता है सबका, तो वहाँ से एक मेहनत करके पूरा मेहनत करता है। आई हैव सॉल्व पर्सनली 50,000-60,000 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। आप देखे होंगे अगर शॉर्ट्स भी, तो वो थोड़ा उसमें आप अगर जानते होंगे। तो इतना मेहनत करके कोई एस्पायरेंट ना अपना मैथ्स को इम्प्रूव करता है, वो स्किल, वो एक स्किल है, और वो स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। आप देखे होंगे कितने ऐसे टॉपर्स होंगे जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, बट वो बोलते हैं कि यार मैथ्स अभी मेरा अच्छा है, दे स्कोर्ड इवन 200 out of 200, जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड के थे। तो ऐसा इसलिए हो पाता है बिकॉज इट्स अ स्किल, और अगर स्किल में आप वर्क करोगे, अगर आप कैलकुलेशंस पे प्रैक्टिस करोगे, बार बार सम्स करोगे, PYQs, everything, तो यू विल डेफिनेटली इवेंचुअली इम्प्रूव, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव, है ना। बट देखो, अगर यही चीज़ ईजी होने से क्या हो गया कि जो बच्चा नॉर्मल मैथ्स पढ़ा 4-5 महीना सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स, और जो बच्चा इतना ज़्यादा मेहनत किया, तो अब तो उसमें कोई मतलब आप डिफरेंशिएशन मतलब रहा ही नहीं ना, डिफरेंस नहीं रहा ना। सब लोग तो अब बना ही देंगे मैथ्स, 27-28 तो एवरीवन हैव सॉल्व, तो फिर मैथ्स में तो कंपटीशन रहा ही नहीं। तो जब आप समझ रहे हो अब मेरी बात, व्हाई आई वाज सो एंग्री, क्योंकि मैथ्स एक स्किल है, और स्किल में ये बिल्कुल जस्टिफाइड होना है कि जो बंदे बेटर हैं, जो बंदे उस स्किल में बेटर हैं, वो बेटर स्कोर करेंगे, और कंपटीशन भी तभी होगा ना। अब देखो मैथ्स का वेटेज हो गया इतना बर्बाद, क्योंकि मैथ्स में जब मैथ्स का पेपर आसान आ गया तो फिर उसमें आप लीड ले नहीं सकते। आप चाहे कितना भी मैथ्स किया, आप 60,000 मैथ करो या 6,000 या 600 या इवन 6, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर इतना ईजी पेपर लेवल होगा ना, तो नॉर्मली सभी बना देंगे भाई, ऑब्वियस है।
तो यही चीज़ हम उस वीडियो में भी आपको समझाए थे, बट आप समझते नहीं हो बात को। आप लोग बहुत सारे, सब नहीं पर कुछ लोग बहुत नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं, हेट कमेंट्स करने लगते हैं, बेमतलब का यार। हम कहीं ये बात नहीं बोले थे कि मेंस का पेपर बेकार था, नहीं, मेंस का पेपर ओवरऑल अच्छा था, बट माय पॉइंट इज़ कि मैथ्स का इतना ईजी क्यों, SSC क्यों, मैथ्स का वैल्यू क्यों इतना कम कर रहे हैं। और रही बात, अब अगर GK में ही सिलेक्शन देना है, GK, वाओ, GK तो हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। तो GK के साथ हम आपको बताते हैं, एक मेरा फ्रेंड है, ओके, आई कॉन्ट टेक हिज नेम, तो वो GK में बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि आपको हम बोल नहीं सकते। बस आप इतना समझ लो कि वो लगभग 4 या 5 साल से GK पढ़ रहा होगा, और ही इज़ वे मच, मेरे से वो 1000 times बेटर है GK में। हमको GK में बहुत, हम तो बहुत जीरो टाइप हैं। तो CGL 2021 के एग्ज़ाम में हम लोग जब टीयर 1 का एग्ज़ाम देकर आए थे, मेरा GK में हम तुक्का मार दिया सारा, और मेरा स्कोर था 14 या 15, हमको अच्छा से याद नहीं आ रहा है, बट 14 टू 15 मार्क्स था, 14 या 13 ऐसा कुछ था, ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन, क्योंकि GK हम पढ़ नहीं पाए, पढ़ने हमको समझ नहीं आता कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, तो GS थोड़ा मेरा वीक है, बाकी सारे ठीक है। और वो बंदा जो इतना प्रो था, इतना प्रो, उस दिन एग्ज़ाम में उस, पता नहीं उस सारे क्वेश्चंस उसके मतलब अगेंस्ट हो गए, या आप कहो उसका लक बैड लक था, ही स्कोर्ड ओनली 11 marks। और वो बंदा ऐसा था ना जो मॉक्स में वो हमेशा 30-40+ ही लाता था, चाहे वो कोई भी मॉक हो, कोई भी मॉक। अब आप एक बात बताओ, वो बंदा इतना प्रिपरेशन किया, कौन बेटर मार्क्स डिजर्व करता था, हम या वो? ऑब्वियसली वही डिजर्व करता था ना, लेकिन मेरे को मिला क्यों? क्योंकि GK चीज़ ही ऐसा है, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, 100% कोई इंसान गारंटी नहीं दे सकता कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे या एकदम मतलब परफेक्ट स्कोर करोगे। सो GK के साथ ये सीन है कि 100% कैनॉट बी सेड, इट इज यू कैनॉट से 100% दैट आई एम प्रिटी श्योर दैट आई विल स्कोर 50 out of 50, 40 out of 50 इन GK, ठीक है। तो GK ऐसी चीज़ है जहाँ पे कभी भी पासा पलट सकता है, कभी भी कोई भी जीत सकता है, ठीक है। तो इसीलिए GS पे ही सिलेक्शन अगर देना है ना, तो फिर वो स्किल बेस्ड कम लक बेस्ड ज़्यादा हो जाता है। मैथ्स आप रखो, GS का लेवल आपको रखना था, मेंस में आप रखिए तो, लेकिन मैथ्स जो कि एक स्किल है, जो कि हार्डवर्क से आप गेन करते हो, हार्डवर्क से सीखते हो, उसको इतना ईजी मत करिए। That is all what I wanted to say in that review video. तो I hope अब आपको मेरी बात समझ में आई हो कि why I was so much angry or frustrated after seeing mathematics. 2 या 1 क्वेश्चन अच्छे थे, चलो मान लेते 3 भी अच्छे थे भाई, लेकिन 26-27 तो आसान ही था ना। तो जब 26-27 सभी बना लेंगे तो 2-3 में आप लीड लेकर कोई ज़्यादा नहीं कर पाओगे। पिछले साल के जो मेंस थे ना 21 के और 20 का, उसका मेंस तो वे बेटर था, 20 का तो बहुत ही ऑसम था, बहुत ही ऑसम। आप देखना, आप मॉक देना, आपको समझ में आ जाएगा, और फिर आप 22 का मेंस का मॉक देना, ठीक है। तो यही चीज़ें हम आपको समझा रहे थे। और अगर ओवरऑल मेंस का पेपर का बात करें तो इट वॉज़ नॉट ईजी एट ऑल, ओवरऑल पेपर ईजी नहीं था, अच्छा था, इंग्लिश का लेवल बहुत बढ़िया था, अच्छा था, उसमें नए नए तरीके से पूछे थे, उतना मतलब ओके था। और रीजनिंग तो एकदम 2 level up था, उसमें नई तरह से क्वेश्चंस को पूछा गया, स्टेटमेंट assumptions ऐड हुए, तो रीजनिंग का लेवल भी अच्छा था, हम ये भी बोले थे वीडियो में। और GS तो छोड़ो, तो क्या ही बोले। और कंप्यूटर का लेवल तो बाप रे, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, ऑब्वियसली मॉडरेट या फिर डिफ़िकल्टी उसको बोलेंगे, ठीक है। 7 मार्क्स हुआ तो मेरे को भी खुद डिफ़िकल्ट लगा। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इतना जजमेंटल मत होइए किसी को लेकर, किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, उससे आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं होना चाहिए भाई या बहन, जो भी आप हैं, क्या फ़र्क आपको कौन कितना स्कोर करेगा नहीं करेगा। इस ऐसे ऐसे कमेंट्स आए ना कि भाई देखेंगे तेरा कितना स्कोर आएगा, तेरा जॉब लगेगा कि नहीं, तू ही ले लेगा रैंक 1। अरे यार गजब है भाई, खुद का सिलेक्शन ले लीजिए आप, दूसरों में क्या रखा है। मेरा तो सिलेक्शन हो गया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हो गया। मेरे को तो छोड़ो, आई जस्ट डोंट वांट टू टेल यू एनीथिंग, लेट इट बी, बट आई जस्ट वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ गाइस, डू नॉट फोकस ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग। आप एक रिव्यू वीडियो देखो किसी का भी, कुछ भी वीडियो, तो उसको नॉर्मल लो यार, हम नहीं बनाते ये वीडियो, बट ठीक है चलो थोड़ा जस्टिफिकेशन दे दिए। और अगर कुछ गलत मैसेज गया था तो उसको भी आप समझे। और ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है आपको कि मैथ्स का लेवल आसान होने से बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है यार, नहीं होना चाहिए इजी, इट शुड बी मॉडरेट एटलीस्ट, कि जो बच्चे मेहनत किए हैं वो थोड़ा लीड ले पाए मैथ्स में। अगर GS के बल पे ही सिलेक्शन देना है तो फिर वो
लक बेस्ड ज़्यादा हो जाता है। और ये चीज़ हम खुद फील कर चुके हैं, जब मेरा 15 नंबर आया जीके में और वो बंदा बेचारा इतना, मतलब क्या बोले हम, उसको जब पता चला ना मेरा 15 नंबर आया, बस सो मच एंग्री बोलता है, तू झूठ बोल रहा है, तू पूरा जीके पढ़ता है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ, वो माना ही नहीं। बट हम उसको जब बोले भाई हम 20 क्वेश्चन किए थे, 20 में से 18 तुक्का मारे थे। तो यही है, यही सब चीज़ें हैं जीके को लेकर। बाकी पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए, कोई भी और डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बोल दीजिएगा, ठीक है? और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद।